क्या दोस्तों, आपके चैनल में भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा चैनल हैक हो चुका है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये जो फ़ोटो है और ये वीडियो अपने चैनल में क्यों आ रही है, तो मैं आपको ये सभी बताऊंगा और इसे बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन का ऑप्शन है उसे कर देना ऑल पे प्रेस और मेरी वीडियो को कर देना लाइक। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखो, ये तीन वीडियो मेरे में आ रही है, इसे मैं हटा दूँगा अभी। तो आपको पहले बैक आ जाना है और क्रोम अपना ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र, और इसमें अपना YouTube लॉगिन कर लेना है और आपको कस्टम वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अब जैसे ही कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो हमारा YT स्टूडियो ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों आपको करना है क्या है, ये देखो, ये नाम आ रहा है ना कस्टम, ये वाला ये जो नाम आ रहा है, आपको यहाँ से इसे ऐड करना है। यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से अपनी एक या दो वीडियो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आप जैसे ही ऐड यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे एक वीडियो, और आपको एक और कर लेनी है। आप एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो। और आपको ये सब करने के बाद में आपको करना क्या होगा, आपको उसको पब्लिक वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पब्लिक वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरे डेस्कटॉप मोड पर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो में आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तो इसी के लिए धन्यवाद, आप मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपको थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और आपको मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ में, आपको मिलता हूँ।